सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आई यूट्यूब चैनल दूसरी फ्रेंड ऑफ भाई। आज के बाद आपको फिर से लेकर आऊँ कार रवाना शुक्रिया न्यू दिल्ली। आज मेरे पास आप लोगों के लिए इनोवा क्रिस्टा। इस वीडियो में बहुत डिफरेंट काम किया है, ठीक है। स्टार्ट करूंगा फ्रंट की ग्रिल से, तो ग्रिल इसके अंदर हमने जो है इंस्टॉल कर दी है, जो कि प्रॉपर ग्लॉस में है, आफ्टर मार्केट टोयोटा इनोवा की ही और फॉर्च्यूनर वगैरह की भी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं अपनी फ्रंट ग्रिल, अभी पूरी चेंज हो चुकी है इस पर कि पूरा जो है ग्लॉस ब्लैक में है। आपको मैट में चाहिए तो मैट में भी अवेलेबल हो जाती है। ओके, साइड पर आए थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप हेडलैम्प देखेंगे। हेडलैम्प के अंदर DRLs इंस्टॉल किए हुए हैं, ये आफ्टर मार्केट DRL जिसे कहते हैं। और प्लस सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इनको लगाने के लिए कुछ खोलना नहीं पड़ता, इनको सीधा ऊपर से अटैच कर दो, बस अटैच डिटैच होती है। ये DRL पूरी ऑन होती है, रात के टाइम एकदम ज़बरदस्त लुक देती है। साइड से ये तीनों पॉइंट भी ऑन होंगे, ये पूरी ऑन होती है। आगे आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपके यहाँ पे इंडिकेटर DRL दिख रहे हैं। इसके ऊपर हमने जो है स्पार्कल ब्लैक पियानो कलर किया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हट जाएगा, देखो ये स्पार्कल पियानो ब्लैक काफ़ी डिफरेंट है, इसका ग्राफ बहुत अच्छे से किया हुआ है। और साथ में इसके अंदर फॉग लैंप्स लगे हैं, ब्लू कट में आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे। उसके अलावा इसके अंदर LEDs हमने इंस्टॉल की, जो कि काफ़ी हाई पावर है। आगे आपको जो है बता दूंगा कितने वॉट्स की है क्या है, ठीक है। उसके बाद हम साइड प्रोफाइल पर स्विच करें तो आते हैं, तो यहाँ पे भी साइड में रखे ऊपर कुछ हटाया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तगड़म यहाँ पे भी होगी। क्रोम वगैरह का आइटम मे भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। रेन वाइजर वगैरह यहाँ पे लग चुके हैं। साइड में आप देख पाएंगे इनोवा की क्रिस्टा की बैजिंग वाले बीडिंग यहाँ पे लगा दी गई है। रेयर प्रोफाइल पे अगर आप लोगों को लेकर आऊँ अपनी गाड़ी पे, तो रेयर प्रोफाइल भी आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है आफ्टर मार्केट टेल लैंप्स लग रही है, ठीक है। और एज वेल एज नीचे आप देख पाएंगे रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सुपर यहाँ पे लग रहे हैं। उसके बाद डिफ्यूज़र देख लो, डिफ्यूज़र की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। सेम एज डिफ्यूज़र हमारे पास फ्रंट का भी है, मैं आगे आपको रखवा के दिखा दूंगा, यहाँ भैया की रिक्वायरमेंट नहीं थी लगाने की। उसके बाद टेल लैम्प की बात करें तो ये टेल लैम्प भी 5 से 6 पीसेस वाली टेल लैम्प है, ये देखो। अभी इसकी इंस्टॉलेशन चालू है, आगे आगे आपको जो है दिखा देंगे, ठीक है। मेन काम गाड़ी के अंदर हो रहा है, गाड़ी के इंटीरियर पे अगर आपको लेके चलो, यहाँ पे हमने पूरी डैम्पिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। और डैम्पिंग करने के तरीके बहुत अलग है, यहाँ पे ना प्लाई बोर्ड लगाया है, जिससे कि आपकी गाड़ी की डैम्पिंग हो ना पूरी प्रॉपर वे में हो, कोई गैप ना आए बीच में, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वायरिंग वगैरह छोड़ रखी है, यहाँ पे कंपोनेंट लगना बाकी है। रिंग भी है ना डैम्पिंग के अंदर ही ले लिए। स्टेयरिंग अपना ये इसका नहीं है, स्टेयरिंग पे हमारा कस्टमाइज होने गया हुआ है, ठीक है। डोर पैनल्स इसके यहाँ पे रेडी कर रहे हैं हम, पूरे कपड़ा वपड़ा लगा के लेदर रैप करके प्रॉपरली, ठीक है। फ्रंट में भी हमारा टॉप मॉडल वाला हिसाब किताब सौदा किया जाएगा। हेडरेंट अपना स्टॉक है, ठीक है। ऑडियो पे भी आऊँगा। सीट्स देख लो, सीट्स का आ चुकी है कस्टमाइज होके, ठीक है। ऑडियो की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, ऑडियो का यहाँ पे जो C2 सीरीज के कंपोनेंट्स यहाँ पे JBL ऑडियो के इंस्टॉल किए जाने फ्रंट पे, और रेयर पे जो है JBL ऑडियो के ही जो है कोएक्सियल स्पीकर यहाँ पे भी इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपर रेन गार्ड वगैरह लगा के इस चीज़ों को इंस्टॉल किया जाएगा। सरवन विकास का भी यहाँ पे चार चैनल का एम्प लगा रहे हैं। वायरिंग देख लो पूरी प्रॉपर वे में आ रही है, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा से, ठीक है। मेन काम गाड़ी के इंटीरियर पे ही है, डू नॉट मिस इट। वो देखो सामने भैया डैम्पिंग करेंगे पूरी, तो डैम्पिंग हो रही है, ऑडियो काम भी चल रहा है, सब कुछ इस गाड़ी के अंदर है, काम चलने में लगा हुआ। अगेन हम जो है गाड़ी के इंटीरियर पे डोर पे स्विच करें, डोर पे तो पहले डोर पैनल यहाँ पे रेडी कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी फाइन है, कोई स्ट्रिचेस, कोई यहाँ पे रिंकल वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट नज़र आएगी पूरी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ पियानो ब्लैक, स्पार्कल पियानो ब्लैक यहाँ भी आपको नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली की जा रही है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें की अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ भैया ने हमारे ना क्रॉस ओवर की फिटमेंट करी है, ठीक है। क्रॉस ओवर की वायरिंग के ऊपर भैया ने प्रॉपर जी इसको रैप किया है, कनेक्शन पूरे प्रॉपर सेपरेट करें, जिससे कि फ्यूचर में आपको वायर से लेके तो कोई दिक्कत आने से रही, ठीक है। एक बार रेयर भी चेकआउट करवा देता हूँ। डैम्पिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रेयर में भैया ने पूरी रिंग लगा के प्रॉपरली कंपोनेंट को एक्सल लगा दिया है JBL ऑडियो का ही। इस गाड़ी के अंदर का आउटपुट सुनने लायक होगा, मजा आएगा। नाउ इट्स अनदर डे, जब हमारी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा काम हमने निपटा लिया है, ठीक है। ये हमारे क्रॉसओवर की फिटमेंट देख लो कितनी प्रॉपर वे में करी है, कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। सो भी हमारे लगे हुए हैं गाड़ी में काम करने में, सीटें अपनी कैबिन कलर में रेडी हो चुकी है। सो भी आप कर रहे हो एम्बिएंट लाइट, बड़े प्यार से बोलते हो आप एम्बिएंट लाइट, सो हमारे एम्बिएंट लाइट काम कर रहे हैं। गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपको गाड़ी अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा जब गाड़ी में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे भैया डोर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेदर रैप पूरा हो गया है, स्पार्कल ब्लैक
हाइड्रो डिप किया हुआ है, ये टॉप मॉडल वाली फील दी, अब इसमें ये भी लगने बाकी है बटन वगैरह। भैया ऐसे ही करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन, लेट्स सी। तो यहाँ हुई अपनी इनोवा क्रिस्टा पूरी तरह कंप्लीट। विम भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। विम भैया क्या है काम किया है कार के अंदर, डिटेल में बताओ। इसमें सारे काम कराया यार, ए टू जेड सारा ही हुआ है। ठीक, पीपीएफ ऑडियो सिस्टम। अच्छा पीपीएफ भी हुई इसमें। चलो भैया पीपीएफ से स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ कैसे पता कैसे लगेगा पीपीएफ हुई है गाड़ी के अंदर? वैसे यार ना पता लगे तो वैसे तो ज्यादा। हाँ वो अच्छा है, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं चला गाड़ी पीपीएफ हुई है। क्योंकि हल्की हल्की कहीं की एजेस होते हैं ना, कटिंग करनी पड़ती है, इस जगह से पता लगता है। तो यहाँ भैया ने बताया कि पीपीएफ का आपको जो है सिर्फ कॉर्नर से पता लग सकता है, और एक भैया यहाँ पे ना जहाँ टक इन करते हैं हम डोर के अंदर, फोल्ड करते हैं जहाँ पे, यहाँ पे जो फोल्ड करते हैं एक यहाँ पता लगता है। इसके अलावा पीपीएफ को कहीं पता नहीं चलता। ये देख लो पीपीएफ, पूरी गाड़ी पीपीएफ हो रखी है। और भी पीपीएफ के फायदे क्या है यार? पूरी गाड़ी में स्क्रैच नहीं पड़ता। ठीक, और कलर फेड नहीं होगा। ठीक, शाइन ग्लॉस एनहांस हो जाएगा। ठीक, और इसमें सेल्फ हीलिंग वाली लगाई है। सेल्फ हीलिंग वाली, उसमें क्या होता है हल्के हल्के कोई स्क्रैच लग जाए तो अपने आप हील अप होकर खत्म हो जाता है। ठीक, और सारी बात वॉशिंग करने में भी इजी पड़ता है। कोई सा भी कपड़ा यूज करो, कुछ भी यूज करो, पीपीएफ कराने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी के, कि हमने क्या है काम गाड़ी के अंदर किया है। सबसे पहले तो भैया इसकी फ्रंट की मैच हमने चेंज करी है, फ्रंट ग्रिल चेंज करी है, लेक्सस स्टाइल लगाई है, लेक्सस स्टाइल ग्रिल इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। ठीक है भैया, उसके बाद ब्लू कट वाले ब्लेजर प्रोजेक्टर्स लगाए हैं, ब्लू कट में है इनका थ्रो, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये सिर्फ थ्रो ही थ्रो, सिर्फ फॉग लैंप्स का ही है। एक और चीज दिखा दे, डिफरेंट है ये, हमने जो इसके फॉग लैंप के कवरेंस में देखो स्पार्कल ब्लैक में करा है। ये स्पार्कल ब्लैक है, देख रहे हो शाइन भी आ रही होगी इसकी। कैनो ब्लैक नहीं, स्पार्कल ब्लैक। ये स्पार्कल ब्लैक है। ठीक है भैया, हेडलैम्प को हाई बीम लो बीम पे, हाई बीम लो बीम पे, ठीक है। और ये अभी डीआरएल, हाँ अच्छा भैया डीआरएल, डीआरएल लगाने के लिए खोलनी तो नहीं पड़ती ना लाइट? ऊपर से अटैच हो रही है। ठीक है, मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख पाएंगे इसकी डीआरएल कुछ ऐसे नजर आती है। ठीक है भैया, तो ये डीआरएल से जो ऊपर से अटैच करके लगाई है फिक्स हुआ। ठीक है भैया, ये तो हो गया मेरी फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल पे क्या काम किया है? साइड प्रोफाइल सर प्लांटिंग लगाई है मैंने, इसमें एक दिखा दो, वाइजर लगाया है। साइड स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं भैया, इनोवा स्पेस क्रिस्टा मैन की वेजिन आपको मिलती है। और भैया डोर हैंडल लगाए हैं विद लाइट वाले, डोर हैंडल इसके अंदर लाइट आपको मिलती है। ये लो ये लाइट आपको इसके अंदर मिलती है। इसके लिए भी हैंड बीएमडब्ल्यू में आती है, मर्सिडीज में आती है, हाई एंड कार के अंदर ऑलरेडी आती है, ये देख लो। ठीक, अच्छा बीएमडब्ल्यू अभी अंधेरा कहीं रखा है, रेयर प्रोफाइल दिखा दें। यहाँ पे टेल लैम्प लगाई है आप, ये देख लो भाई टेल लैम्प यहाँ पे इंस्टॉल की गई है रेयर पे, बहुत ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे लग रही है। और भाई ये कुछ नया डिजाइन है, राइट? ये लेटेस्ट डिजाइन आया, पहले वाला भी अच्छा था, ये उसका और अच्छा निकाला गया और काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अगर सेंटर लाइट जलाएंगे तो ये पूरे मैट्रिक्स में रन भी करते हैं। हाई बाय ऑन कर दो भैया, इसके इंडिकेटर्स पूरे जो है मैट्रिक्स में रन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके, ये देखो इसकी लुक गजब की है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स में जो इंडिकेटर चल रहे हैं ना, इसकी वजह से गाड़ी की लुक ही नेक्स्ट लेवल हो गई है। थोड़ा सा नीचे आएंगे गाड़ी में तो यहाँ पे आपने रिफ्लेक्टर्स भी आपको नजर आएंगे, रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल करें। ठीक भैया, अब हमको लाइट ऑन करनी पड़ेगी पीछे का डिफ्यूजर दिखाने के लिए। लाइट्स अपनी ऑन और आपको दिखाएंगे पीछे के रेयर प्रोफाइल लाइट्स में। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे रेयर का डिफ्यूजर जो गाड़ी को एक स्पोर्ट्स लुक दे रहा है यहाँ पे। ठीक है भैया, पूरे ABS लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट डिजाइन अभी आया है, ये देख लो इनोवा के अंदर। इन केस अगर आप चाहते हो, अगर आपने पुराना लगवाया तो नया लगवा लेना, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। विम भैया ये तो होगी हमारी एक्सटीरियर की बात, इंटीरियर पे चले गाड़ी के। तो गाड़ी के इंटीरियर पे अगर आपको लेके चलते हैं, गाड़ी के इंटीरियर भी अच्छा खासा काम हुआ है, हेडलैम्प्स के थ्रू देख रहे हो गजब पड़ रहा है एकदम। ठीक है, गाड़ी के अंदर हम एंट्री करते हैं, उससे पहले डोर पर नज़र पड़ती है। अगेन भैया लेदर रैप डोर पे, ठीक है लेदर से पूरा रैप किया गया है डोर पे। और भैया ये देख पा रहा हूँ मैं फिर से स्पार्कल ब्लैक, पियानो स्पार्कल ब्लैक, बहुत अमेजिंग लग रहा है। अब आपको लग रहा हो कुछ लगा हुआ नहीं है, ये स्पार्कल है, ये देखो ये हाइड्रो डिपिंग के अंदर ही, हाइड्रो डिपिंग के अंदर ही। ओ यार बहुत अमेजिंग लग रहा है। अभी ये भी चीज़ हमने
प्रॉपर। हाँ जी, ये भी चेंज करिए, ये भी हमने प्रॉपर जेड मॉडल स्टाइल, ठीक। और ये देख लो एम्बिएंट लाइट तो भाई अलग से ही नजर आ रही है यहाँ पे आप लोगों को, थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, एम्बिएंट लाइट आपको पूरी प्रॉपर नजर आएगी। तो इसके बाद हम गाड़ी के इंटीरियर पे आते हैं, अगेन सामने भी हमको ये चीज देखने के लिए मिलेगी सेम एज इट इज, पहले हम इस जगह पे वुडन वगैरह करते थे। हाँ, बट इस पर हमने कुछ स्टाइल चेंज करा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है इस बार हमने इसको चेंज करके, हम इसको पियानो ब्लैक विद स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग पियानो ब्लैक विद स्पार्कलिंग, अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक है, डिफरेंट है यार, किसी की गाड़ी में आपने देखा, गाड़ी में किया ही नहीं अभी, देख लो आपने भी, मेरे ख्याल से फर्स्ट कार में ही किया है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। बाकी भी देख पा रहा हूँ जो मैं, ये पूरा आपने बनाया करवाया है, मतलब पूरी डिपिंग, हाई डिपिंग करवाई है आपने। चलो गाड़ी के अंदर स्विच करते हैं, गाड़ी एकदम साउंड प्रूफ भी हमने करी है, तो देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, बाहर की नॉइज आपके सामने ही है। भैया खिड़की बंद करेंगे, ये हो गई गाड़ी एकदम साइलेंट। डैम्पिंग करी है ड्रिवन की, साउंड प्रूफिंग पूरी डोर्स में, चारों डोर्स भी करी है, ठीक, ड्रिवन की, ठीक। और जिसमें स्पीकर्स जो हमने लगाए जेएल ऑडियो के C2 सीरीज के हैं, ठीक ठीक। फ्रंट पे हमने जो लगाए कंपोनेंट्स लगाए, पीछे कोएक्सल लगाए, ठीक है। भैया जो इनको रन कर रहा हूँ एम्प, एम्पलीफायर हमने इसमें लगाया, उसका जो हमारा है साउंड मेकर्स का, ठीक भैया, वो लगाया है, फोर चैनल का, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, हेड यूनिट अपनी स्टॉक है, तो स्टॉक में भी सारी चीजें लग जाती है, 100% लग जाती है, और आपकी गारंटी करते हैं, इसकी आवाज सुना दूंगा तो आपको यार आपकी कार में कहीं ना कहीं वूफर लगा होगा। अच्छा, ऐसा ऐसा आउटपुट है, हाँ जी, चलो ये भी बहुत सही है। अच्छा भी एक बार और चीज हम आपको स्पेशल दिखा दें, जो शायद कोई नहीं करता, जो उसमें जहाँ पर हम ट्यूटर्स के पर माउंट करते हैं, हाँ जी, तो हमने जेड मॉडल वाली सर्च कराई है इसकी, ये देख लो, ये जेड मॉडल वाली मैश भी है इसके अंदर लगाई है, ट्यूटर आपको बाहर नजर नहीं आएगा कहीं भी, जैसे जेड मॉडल इंस्टॉल्ड आता है, हमने जी मॉडल में लगाया। अच्छा, जी मॉडल के अंदर हमने जेड मॉडल वाली फिटमेंट करके दी है, चलिए कस्टमर की चॉइस है कि मेरे को ट्यूटर दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ये भी चीज सही है, दिखना नहीं चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है। भैया स्टीयरिंग भी देख पा रहा हूं, काफी स्टीयरिंग भी रैप करा हमने, ऐसे हम करते हैं नॉर्मली, ठीक। भैया इसका के टॉप मॉडल का वो चाहिए होगा, जेड मॉडल का मीटर वेटर स्पीडोमीटर भी हमारे पास अवेलेबल है, छत की लाइट लाइट भी अवेलेबल है, और इसके अंदर मैं आपको भी दिखाता हूं, हमने इसमें फुट रेस लगाई है, फुट रेस भी लगाई है, चलो जेड मॉडल टाइप। चलो उससे पहले मैं आपकी अपनी गाड़ी की सीट दिखानी जरूर पसंद करूंगा, ये सीट देख लो, ये कस्टमाइज करी गई है पूरी, अगेन सारा कस्टमाइज है, इस जगह पे हमने सेंटर में परफोरेशन दिया है, ठीक ठीक ठीक, ताकि बैठने वाले को कंफर्ट रहे पूरा, एयर पास होती है, हाँ गर्मी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, ठीक। स्ट्रिप दी है ब्लैक कलर की थोड़े डिजाइनिंग के लिए, सेम अच्छी लग रही है देखो साइड से, अभी ये आर्मरेस्ट भी पूरा आर्मरेस्ट भी लेदर टच, लेदर टच सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच के साथ हाथ रखो मतलब कंफर्टेबल रहे काफी ज्यादा। रियर की सीट भी चेकआउट कर लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। कितना टाइम लग जाता है आपको इन गाड़ियों को रेडी करने में? दो दिन पूरे, दो से तीन दिन, अगर पीपीएल चाहिए तो एक दिन उसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए पूरा, ठीक है। अच्छा एमबी आप पीछे फुट ट्रे दिखाने वाले थे, वो दिखा दो, हम ये बता रहे हैं जो अभी प्रोजेक्टर्स लगाते हैं, हाँ जी, कोई नहीं कि इसके साथ ये जुगाड़ करके लगाते हैं, प्रॉपर जगह इसमें जगह बना रखी होती है, उसके स्विचेस लगाते हैं। अच्छा ये अपना उसका प्रोजेक्टर का, जो मेरे फॉग लैंप प्रोजेक्टर आपने इंस्टॉल किया उस पर भी पूरा ओएम टाइप लगाया है, तो फुट ट्रे दिखाते पीछे की, आओ आप लोगों को फुट ट्रे दिखाते, जब इतना अमेजिंग काम हुआ है तो उसको दिखाना भी पड़ता है ना भाई। आओ ये रेयर पे हम आते हैं, यहाँ भैया ने इंस्टॉल करवाई है फुट रही है, देखो ये टॉप मॉडल वाली ही है, टॉप मॉडल वाली ही है, प्रेस करेंगे बंद हो जाती है, जेड मॉडल फिट रहती है वही है, आफ्टर मार्केट नहीं है, ठीक 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 ठीक, आफ्टर मार्केट नहीं है, टोयोटा की ओरिजिनल है, देख लो पास से देख लो एक बार भैया, ये पूरी हाइड्रो डिप करके हम ग्लॉस ब्लैक में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको, हमने मैट करा रखी है, ठीक है, ग्लॉस ब्लैक में ऊपर कैसे, और दोनों सीटों के पीछे, ऐसा नहीं है कि एक के पीछे में आपको मिलेगा, मतलब हिल रही है, जर्क हो कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर है, ठीक। पीछे की सीट जो है प्रॉपर कस्टमाइज करी हुई है, देखो इसमें बीच में हमने परफोरेशन दिया है, ऊपर डायमंड कट दिया है, गर्मी गर्मी के सबका पूरा पूरा ध्यान रखा है सीट बनाते हुए, ये भी नहीं आर्मरेस्ट की फिटिंग में कोई फर्क हो, ये भी स्नैप फिट मिलेगा कहीं से आपको, कहीं रिंकल कुछ नहीं, रिंकल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ठीक। तो भैया दो दिन गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए, और पीपीएफ चाहिए तो एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक ठीक ठीक। आज भी छत काली वाली सब हो जाती है ना, जो मर्जी कराओ, बस टाइम दो है ना भैया, चलो ठीक, प्रॉपर काम मिले, चलो भैया ठीक है। सो विद दिस इट आज के लिए इतना था, अगर आपको अपनी गाड़ी में उस तरीके से काम करवाना है तो आपको आना है कार एवन अशोक विहार न्यू दिल्ली, इस स्क्रीन पे नंबर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।